राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में क्वार्टर गार्ड में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे, आरआई उमेश कुमार दुबे सहित अन्य पुलिस के अधिकारियों ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सलामी दी। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने पुलिसकर्मियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। हमेशा मैं लेता हूं और मैं चाहता हूं आप सबको बताया जाए, आप लाइफ में जिंदगी में कई बार दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा समय आता है जब आप पारिवारिक दायित्वों का, सामाजिक दायित्वों का योगदान कभी भी उसको नहीं भुलाया जा सकता है। हमें दोनों महानुभावों से आज फिर से कुछ कुछ सीख लेने की जरूरत है। मैं महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में और राष्ट्र की एकता की रक्षा करने और उसे मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से योगदान दूंगा। मैं ये भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी नाजिया खान, साहिद अली, पिंटू, सुमन, नरेंद्र शास्त्री जी की जयंती दोनों ही है और आज आपने देखा कि पुलिस लाइन में सुबह सुबह और पुलिस ऑफिस में भी और सभी थाने चौकियों में प्रोग्राम किए गए और उन्हें जो हमारे गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अलावा भी जो भी हमारे वीर महापुरुष और देश की सेवा में जो भी महानुभाव रहे उन सबको याद किया गया उसी बहाने से। और पुलिस में ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी है कि समय समय पर हमें इस तरह के सबक याद दिलाए जाते रहें, तो आज अपनी पुलिस फोर्स को भी हमने अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया जो हमारे महात्मा गांधी जी कह गए, और शास्त्री जी का जो सादगी और सरलता का पाठ है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ास तौर से निचले लेवल पर पुलिसकर्मी हमारे सादगी और सरलता भूल जाते हैं और इस तरह से हम समझते हैं कि गोरखपुर पुलिस और अच्छे से बनके और जनता की सेवा में आगे से आगे रहेगी।